नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र विभाग मानविकी विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से। आज हम चर्चा करेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में। हम चर्चा करेंगे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, इसमें अर्थशास्त्रियों के क्या विचार रहे हैं, और चर्चा करेंगे कि जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं क्या हैं, और इसके आगे चर्चा करेंगे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के जो है क्रियाशीलता के कारण क्या रहे हैं, और चर्चा करेंगे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद क्या हैं, और इसके आगे हम चर्चा करेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व क्या है। तो हम आइए शुरू करते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम अन्य बातें समान रहने पर मानव सीमित साधनों से असीमित इच्छाओं के मध्य कुछ सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, तथा प्रारंभ में किसी वस्तु के संबंध में मानव की इच्छा या आवश्यकता चाहे जितनी प्रबल हो, परंतु उस वस्तु की इकाइयों के निरंतर उपभोग के करते रहने से उसकी इच्छा या आवश्यकता में एक समय उपरांत कमी आने लगती है। इस अनुभव को अर्थशास्त्र की भाषा में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, कि जो है मानव सीमित साधनों से असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रारंभ किसी वस्तु के संबंध में मानव की आवश्यकता चाहे जितनी प्रबल रही हो, किसी वस्तु को पाने के लिए मनुष्य चाहे जितना आवश्यकता उसकी प्रबल हो, लेकिन एक समय के बाद उस वस्तु के निरंतर उपभोग के पश्चात एक ऐसा बिंदु आता है जिसमें उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती हुई प्राप्त होती है, और एक बिंदु के बाद उसको नकारात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है, ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है, उस वस्तु को वो प्राप्त करना नहीं चाहता है। अब हम चर्चा करेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की उत्पत्ति के बारे में। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, तो हम देख रहे हैं सर्वप्रथम इसे जर्मन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन ने नियम का प्रयोग किया था, इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। और आगे चलकर इसके पश्चात बेंथम, विलियम स्टेनली जेवेंस और मार्शल जैसे अनेक अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या की थी। अब हम चर्चा करेंगे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में अर्थशास्त्रियों के क्या मत रहे हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्री हमारे प्रोफेसर मार्शल, जिनके अनुसार बात अन्य बातें समान रहने पर किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वह वस्तु की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। मार्शल महोदय कह रहे हैं कि किसी वस्तु की चाहे जितनी इच्छा हो हमको और चाहे जितनी आवश्यकता हो, अगर उसके स्टॉक में निरंतर वृद्धि होती रहती है तो एक समय बाद ऐसा बिंदु आता है जिसमें हम उस वस्तु की इकाई को हम प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, और उससे हमको घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। अगले अर्थशास्त्री प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार, बोल्डिंग महोदय कहते हैं कि अन्य सभी वस्तुओं के उपभोग को यथावत रखते हुए जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाता जाता है, वैसे वैसे ही परिवर्तनशील वस्तु की सीमांत उपयोगिता अवश्य घटती जाती है। बोल्डिंग महोदय कहते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की हम उपभोग इकाइयों को चाहे जितना बढ़ाते जाएं, और एक समय बाद ऐसा होता है कि उसकी हमको उपयोगिता घटती हुई प्राप्त होती है और सीमांत उपयोगिता उसकी ऋणात्मक हमको प्राप्त होती है। अगले अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर टॉमस। प्रोफेसर टॉमस कहते हैं कि अतिरिक्त वस्तुओं की पूर्ति की उपयोगिता उस वस्तु के भंडार में प्रत्येक वृद्धि के साथ घटती जाती है, इसके अतिरिक्त कुल उपयोगिता बढ़ती है लेकिन घटते हुए अनुपात में, यहाँ तक कि अंत में वस्तु को की और अधिक मात्रा से अनुपयोगिता उत्पन्न हो जाती है। प्रोफेसर टॉमस महोदय बता रहे हैं कि किसी वस्तु की हम जब निरंतर
उसके भंडार में वृद्धि करते हैं, उससे जो हमको अतिरिक्त कुल उपयोगिता प्रारंभ में तो बढ़ती है लेकिन एक समय पश्चात उससे हमको प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती हुई प्राप्त होती है और अंतिम बिंदु पर हमको पूर्ण संतुष्टि के बाद वो नकारात्मक रूप से प्राप्त होती है। अगले अर्थशास्त्री हैं चैपमैन। चैपमैन ने कहा कि कोई वस्तु जितनी अधिक मात्रा में हमारे पास उपलब्ध होती है उस वस्तु के लिए हम उतने ही कम इच्छुक होते हैं अथवा उस वस्तु की उतनी ही कम अतिरिक्त इकाइयां हम प्राप्त करना चाहते हैं। चैपमैन महोदय कहते हैं कि किसी वस्तु की उपभोग करने की हमारी इच्छा चाहे जितनी तीव्र हो और वो वस्तु हमारे पास चाहे जितना उपलब्ध हो, जैसे जैसे उसकी मात्रा बढ़ती जाती है हम उस वस्तु का उपभोग करने की इच्छा हमारी कम होती जाती है और एक समय बाद उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता हमको नकारात्मक या ऋणात्मक प्राप्त होती है। अब हम चर्चा करेंगे उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताओं के बारे में। सभी सिद्धांतों की एक मान्यताएं होती हैं जिसके बिना उस सिद्धांत का क्रियाशील होना संभव नहीं होता है, इसीलिए हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहली मान्यता है हमारी कि वस्तु की सभी इकाइयां गुण और मात्रा में समान होनी चाहिए। कोई भी वस्तु है अगर उसकी इकाई गुण एवं मात्रा में समान नहीं है तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को क्रियाशील में बाधा उत्पन्न करेगी और उसको जो है क्रियाशील होने नहीं देगी। जैसे कि हम पिछले अर्थशास्त्रियों के मत और इसकी परिभाषा में हम पढ़ चुके हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार हम किसी वस्तु की उपभोग मात्रा में जैसे निरंतर वृद्धि करते जाते हैं हमको उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती हुई प्राप्त होती है और जो है हम उसका एक बिंदु के बाद उसका उपयोग करना नहीं चाहते हैं और उससे हमसे को ऋणात्मक उपभोग उपयोगिता प्राप्त होती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को प्यास लगी हुई है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, तो अगर पहले गिलास का पानी उसको बहुत छोटा दे दिया जाए और फिर दूसरी इकाई जो गिलास में दी जा रही पानी की वो बड़े गिलास में दे दी जाए तो उसकी हो सकता है कि संतुष्टि तुरंत प्राप्त हो जाए और वो अगली गिलास पानी की इकाई नहीं चाहता हो। दूसरी मान्यता है वस्तु की इकाइयां प्रमाणिक और उपयुक्त होनी चाहिए। हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उसकी इकाइयां प्रमाणिक और उपयुक्त होनी चाहिए। तीसरी मान्यता है वस्तु के उपभोग में समय तथा स्थान का अंतर नहीं होना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण मान्यता है, वस्तु के उपभोग में समय तथा स्थान का अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी वस्तु के उपभोग में समय तथा स्थान का अंतर होता है तो उससे उसको प्राप्त होने वाली उपयोगिता हो सकता है कि वो बराबर रहे और उससे अधिक उपयोगिता उसको प्राप्त हो। जैसे कि हमको अभी पानी की प्यास लगी है, हम एक गिलास पानी अभी पी ले रहे हैं, हो सकता है समय 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद हम 2 गिलास पानी पी लें, तो ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता को प्रभावित करेगा। इसीलिए इसमें मान्यता है कि वस्तु के उपभोग में समय तथा स्थान में अंतर नहीं होना चाहिए। अगली मान्यता है हमारी वस्तु के मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तु के मूल्य में यदि परिवर्तन होता है तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्रियाशील नहीं हो पाएगा, क्योंकि माना कि किसी वस्तु का मूल्य अभी 10 रुपये है तो उसको उपभोक्ता 1 इकाई या 2 इकाई या 3 इकाई खरीदना चाहता है, यदि उसका मूल्य घटकर 5 रुपये हो जाए तो उसका उपभोग वो बढ़ा देगा, जिससे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता में प्रभावित होगी। अगली मान्यता है उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अन्य बातें समान रहने पर
सभी अर्थशास्त्री यह बात मानते हैं कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति समान होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगली मान्यता है हमारी, उपभोक्ता की आय, फैशन, रुचि, स्वभाव, आदत स्थिर रहना चाहिए। हम किसी वस्तु के उपभोग के लिए जो है सबसे आवश्यक है कि उसकी आय, फैशन, रुचि समान होनी चाहिए। यदि इसमें परिवर्तन होता है तो सिद्धांत की क्रियाशीलता में भी परिवर्तन होगा। अगली मान्यता है हमारी कि वस्तु की स्थानापन्न वस्तुओं का मूल्य भी स्थिर रहना चाहिए। यदि वस्तु के स्थानापन्न मूल्य वस्तुओं के मूल्य परिवर्तित होंगे तो वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता भी परिवर्तित होगी। अब आगे हम चर्चा करेंगे नियम की व्याख्या के बारे में। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या के लिए हम एक काल्पनिक तालिका को लेते हैं, एक टेबल लेते हैं। इसमें जैसे अन्य बातें समान रहने पर, माना एक्स व्यक्ति है जिसे गुलाब जामुन पसंद है, वह उसका उपभोग करना चाहता है, अतः निम्नलिखित काल्पनिक तालिका एवं चित्र द्वारा एक्स व्यक्ति को प्राप्त होने वाली सीमांत एवं कुल उपयोगिता का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, उसको मीठा खाना बहुत पसंद है, जैसे गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है, तो उसका अध्ययन हम एक काल्पनिक तालिका के द्वारा करेंगे जिससे हम सीमांत उपयोगिता और वस्तु की कुल उपयोगिता का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं एक काल्पनिक तालिका को जिसमें यहाँ पर गुलाब जामुन की इकाइयों की संख्या है, दूसरी हमारी कालम है सीमांत उपयोगिता का, और तीसरा कालम है हमारा कुल उपयोगिता का। तो जैसा कि हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से हम जानते हैं कि पहली इकाई से कि उपभोक्ता को 7 इकाई सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है और उसकी कुल उपयोगिता 7 इकाई के बराबर है, और दूसरी इकाई के उपभोग से उसको 6 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है और कुल उपयोगिता 13 प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार तीसरी एवं चौथी इकाई से उसको सीमांत उपयोगिता 4 एवं 2 की उपयोगिता प्राप्त हो रही है तथा कुल उपयोगिता 17 और 19 की है। पांचवी इकाई के गुलाब जामुन के उपभोग करने पर उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जा रही है, जो पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है, और उसकी कुल उपयोगिता 20 हो जा रही है। इसी के पश्चात छठी इकाई से गुलाब जामुन की छठी इकाई से के उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक प्राप्त हो रही है और हमारी कुल उपयोगिता घटने लग रही है। तो ये टेबल हमको यह बता रहा है कि माना किसी व्यक्ति को मीठा खाना बहुत पसंद है और वो गुलाब जामुन प्रेफर करता है खाने के लिए, तो जैसे जैसे गुलाब जामुन की इकाइयों को वो बढ़ाता जाता है वैसे वैसे प्रारंभ में तो उसको उसकी सीमांत उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता घटती हुई प्राप्त होती है और कुल उपयोगिता बढ़ती हुई प्राप्त होती है। जैसे कि हम जब मीठा खाना पसंद करते हैं तो पहली इकाई हमको अच्छी लगती है, हो सकता है उपभोक्ता को दूसरी इकाई भी और अच्छी लगे, तीसरी इकाई और अच्छी लगे, चौथी इकाई और अच्छी लगे, लेकिन एक सीमा के बाद यदि वह मीठा खाना जारी रखता है तो उसको पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी, और उसके बाद अगर उसको निरंतर उसको उपभोग करता रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि उससे उसको नकारात्मक उपयोगिता प्राप्त होगी, अर्थात उसको हो सकता है कि ओमटी भी हो जाए और उसकी तबीयत भी खराब हो जाए। अन्य बातें समान रहने पर कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु का उपयोग या उपभोग एक सीमा बिंदु तक ही कर सकता है, उसके बाद अगर उसका उपभोग लगातार करता रहेगा तो उससे उसको नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, नकारात्मक प्रभाव होगा। इसी बात को हमारा ये टेबल दर्शाता है। हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को इस चित्र के द्वारा आप समझेंगे। यहाँ हमारा वाई एक्सिस है, ये बिंदु हमारा कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता का है, और ये एक्स एक्सिस है हमारा एक्स अक्ष है जो हमारी कुल
इकाइयों की संख्या को बताता है। ये हमारा कुल उपयोगिता का कर्व है और ये हमारा सीमांत उपयोगिता का वक्र है। यहां हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे गुलाब जामुन या अन्य वस्तुओं के उपभोग में उपभोक्ता वृद्धि करता है तो उसकी कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। उपभोक्ता की कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है और सीमांत उपयोगिता 0 से 6 इकाई तक तो बढ़ रही है और 6ठी इकाई पे उसको पूर्ण संतुष्टि मिल जा रही है और 6ठी इकाई के बाद 7वीं इकाई से उसको सीमांत उपयोगिता घटती हुई प्राप्त हो रही है और लगातार घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है और कुल उपयोगिता हमारी इस बिंदु पर 5वीं इकाई पर हमको उपभोक्ता को कुल उपयोगिता अधिकतम प्राप्त हो रही है। जहां पर सीमांत उपयोगिता पूर्ण संतुष्टि बिंदु को प्राप्त होगी उस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होगा और सीमांत उपयोगिता शून्य होगी या कह लीजिए कि पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त होगी। इसके पश्चात अगर कोई भी व्यक्ति उपभोग जारी रखता है वस्तु का तो उसको नकारात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी और कुल उपयोगिता इस बिंदु के बाद घटती हुई प्राप्त होगी जैसा कि हमने पिछले टेबल में देखा है। जैसा कि अभी हम आपको चित्र की व्याख्या में बताया कि जो है यहाँ चित्र से यह स्पष्ट होता है कि 5वीं इकाई तक उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता धनात्मक तथा कुल उपयोगिता में वृद्धि हो रही है। जैसा कि चित्र में और पिछले हमने टेबल में देखा कि 5वीं इकाई तक वस्तु का उपभोग करने में सीमांत उपयोगिता में वृद्धि और कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तथा 6वीं इकाई उपभोग के पश्चात सीमांत उपयोगिता शून्य या पूर्ण संतुष्टि की स्थिति पर पहुंच जा रही है और इसके पश्चात कुल उपयोगिता इस बिंदु पर 6ठी इकाई के बिंदु पर पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर अधिकतम प्राप्त होती है तथा इसके पश्चात निरंतर उपभोग करने पर 7वीं इकाई या 8वीं इकाई या 9वीं इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक रूप में प्राप्त होती है और कुल उपयोगिता घटती हुई प्राप्त होती है। अब हम नियम की क्रियाशीलता के कारण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि नियम क्रियाशील क्यों हो रहे हैं। तो प्रोफेसर बोल्डिंग महोदय के अनुसार नियम की क्रियाशीलता के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण प्रोफेसर बोल्डिंग महोदय ने बताया, वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं। बोल्डिंग महोदय कह रहे हैं कि वस्तुएं एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती हैं, पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं, अर्थात वस्तुएं एक दूसरे के व्यवहार में अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं जिससे वस्तुओं का उचित अनुपात में ही प्रयोग किया जा सकता है। जैसे रोटी और मक्खन का प्रयोग एक उचित अनुपात में ही किया जा सकता है। यदि रोटी की मात्रा स्थिर रखकर मक्खन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो मक्खन की इकाइयों से घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। प्रोफेसर बोल्डिंग महोदय बता रहे हैं हमको कि सीमांत उपयोगिता स्थानापन नहीं होती है, पूर्ण स्थानापन वस्तुओं में नहीं होती है। किसी भी पूर्ण स्थानापन वस्तुओं के एक उचित अनुपात को ही प्रोफेसर बोल्डिंग महोदय बताते हैं कि वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन नहीं होती हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि किसी भी वस्तु का हम एक निश्चित अनुपात में ही प्रयोग किया जा सकता है। प्रोफेसर बोल्डिंग महोदय ने जैसा कि रोटी और मक्खन का उदाहरण दिया कि रोटी और मक्खन को हम एक निश्चित अनुपात में ही प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हम रोटी और मक्खन का एक निश्चित अनुपात होगा, यदि हम मक्खन की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो मक्खन से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता एक बिंदु के बाद हमको नकारात्मक प्राप्त होगी या हम उसका उपभोग नहीं करना चाहेंगे। इसी प्रकार यदि हम मक्खन के इकाई को
निश्चित रखते हुए रोटी की इकाइयों की संख्या बढ़ाएं, उसकी जो है उपयोगिता उपभोग करने की संख्या बढ़ाते जाएं और मक्खन को घटाते जाएं, तो इससे भी हमको सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक रूप से प्राप्त होगी। इसीलिए वस्तुओं का प्रयोग एक निश्चित अनुपात में ही किया जा सकता है। प्रोफेसर बोल्डिंग महोदय बताते हैं कि केवल विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति ही की जा सकती है। जैसा कि बोल्डिंग महोदय कहते हैं कि सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं या आवश्यकताओं की पूर्ति ही की जा सकती है। एक समय विशेष में विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। हम किसी वस्तु की अनंत मात्रा का उपभोग नहीं कर सकते हैं। उपभोक्ता उपभोग करते करते ऐसे पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर पहुंच जाता है जहां पर शून्य उपयोगिता मिलती है और कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। अतः उपभोग जारी रखने पर उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि के बाद एक बिंदु वस्तु की अनुपयोगिता प्राप्त होने लगती है। बोल्डिंग महोदय कहते हैं कि किसी वस्तु की उपयोगिता विशिष्ट आवश्यकता को ही पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी वस्तु की आवश्यकता की विशिष्ट आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर सकते हैं। यदि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बढ़ाते जाएंगे, वस्तुओं का उपभोग बढ़ाते जाएंगे, तो एक समय बिंदु ऐसा आएगा कि हमको पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद यदि हम उपभोग बढ़ाते जाते हैं, हमको उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता ऋणात्मक प्राप्त होगी और वो वस्तु हमारे लिए अनुपयोगी हो जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे नियम के अपवाद के बारे में। जैसा कि हम देख रहे हैं, वस्तु की छोटी इकाइयां, यदि उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयां बहुत छोटी मात्रा में उपभोग में लाई जाती हैं, तो सीमांत उपयोगिता रस नियम लागू नहीं होगा। जैसे कि पीने का पानी का गिलास बहुत छोटा है, तो बाद की इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटने की अपेक्षा बढ़ती जाएंगी। जैसा कि हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में जानते हैं कि किसी वस्तु की इकाइयों के निरंतर उपभोग करने से हमको घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। अतः यदि वस्तु की छोटी छोटी इकाइयों का उपभोग करेंगे तो हमको घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होने की बजाय बढ़ती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। जैसे हम पानी के का उदाहरण दिए कि गिलास, हमको जितनी पानी पीने की आवश्यकता है उससे अगर हम छोटी छोटी इकाइयों में पानी पीते हैं तो अगली इकाई से हमको अधिक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी, ना कि घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। मादक वस्तु के संदर्भ में, मादक वस्तुओं के संबंध में यह कहा जाता है कि वस्तुएं जैसे शराब के उपयोग पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इसे उपभोग करने वाला व्यक्ति जितना अधिक उपभोग करता है उसे उतना ही आनंद अथवा उपयोगिता प्राप्त होती है। क्योंकि कोई शराबी अगर किसी शराब का या मादक वस्तु का उपयोग करता है, उपभोग करता है, तो उसको घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होने की बजाय बढ़ती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। कंजूस व्यक्ति के लिए, कंजूस व्यक्ति को भी जो है किसी, मान लीजिए कंजूस व्यक्ति को कोई महंगी धातु या पैसा या कोई रत्न अधिक प्राप्त होता है, तो उसको सीमांत उपयोगिता रस नियम के अनुसार घटती हुई सीमांत उपयोगिता की बजाय बढ़ती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। अगला एक्सेप्शनल केस हमारा है दुर्लभ वस्तु के संबंध में। जैसा कि अभी हमने बताया कि मूल्यवान वस्तुएं जैसे हीरा है या मोती है या कोई कीमती पत्थर है, अगर किसी व्यक्ति को जितना अधिक प्राप्त होगा उससे उसको सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाएगी, ना कि घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। मनभावन वस्तुओं के संबंध में प्रोफेसर टाउसिग ने बताया कि रोचक पुस्तकें, सुरीले गीत, सुंदर कविता और अच्छे सिनेमा का मोह कम नहीं होता, क्योंकि इसको सुनने वाले लोग बार बार इसको सुनना चाहते हैं। टाउसिग महोदय कह रहे हैं कि जो मनभावन वस्तुएं हैं या मनभावन गीत हैं, हमारी पुस्तकें हैं, हम जितना उसको पढ़ते हैं उससे हमको
प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई प्राप्त होती है, ना कि घटती हुई प्राप्त होती है। किसी वस्तु के अनेक प्रयोग, यदि किसी वस्तु के अनेक प्रयोग भी हैं तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता हमको बढ़ती हुई प्राप्त होगी। जैसे पानी को ही ले लें, उसको पानी का प्रयोग हम पीने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, नहाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, कपड़े धुलने के लिए उपयोग कर सकते हैं या सिंचाई करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो हमको पानी की जितनी इकाइयां हम खर्च करते जाएंगे, उसके अनेक प्रयोग करते जाएंगे, उससे सीमांत उपयोगिता हमको बढ़ती हुई प्राप्त होगी, ना कि घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उत्पादन के क्षेत्र में भी काफी महत्व रखता है। जब किसी वस्तु की पूर्ति अधिक हो जाती है तो उपभोक्ताओं के लिए उसकी उपयोगिता कम हो जाती है, इसलिए उत्पादक एक सीमा तक किसी वस्तु का उत्पादन करने के बाद अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने में उत्पादन साधनों को लगा देता है, जिससे विभिन्न प्रकार वस्तुओं का उत्पादन होता रहता है। प्रोफेसर टाउसिक महोदय कहते हैं कि उपयोगिता ह्रास नियम उत्पादित वस्तुओं में बढ़ती हुई विभिन्नता तथा उत्पादन और उपयोग में बढ़ती हुई जटिलता की व्याख्या करता है, जो कि नए उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। उत्पादन के क्षेत्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमको यह बताता है कि किसी वस्तु की उपयोगिता जैसे ही घटने लगती है उत्पादन के क्षेत्र में, उसके उत्पादन करने वाले साधनों का प्रयोग हम किसी अन्य उत्पादन वस्तुओं पर लगा देंगे, जिससे हमको विभिन्न उत्पादन वस्तुएं प्राप्त होंगी। मांग के नियम का आधार, मांग का नियम उपयोगिता ह्रास नियम पर ही आधारित है। जो किसी वस्तु की अधिक मात्रा उपलब्ध होने से उसकी घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होने के कारण उपभोक्ता द्वारा कम कीमत अदा की जाती है, अधिक उपयोगिता प्राप्त होने के कारण अधिक कीमत अदा की जाती है। मांग का नियम हमको बताता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी उपयोग करने वाली मात्रा घटती हुई इकाई हम उसकी उपभोग करते हैं, यदि कीमत में कमी आती है तो उसकी बढ़ती हुई इकाइयों का उपभोग करते हैं। ये होता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण। सम सीमांत उपयोगिता नियम का आधार भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। सम सीमांत उपयोगिता में प्रत्येक उपभोक्ता अपनी सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग करता है, जिसकी व्याख्या उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार सरलता से होती है। सम सीमांत उपयोगिता नियम का आधार भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, जो कि यह बताता है कि उपभोक्ता अपने सीमित साधनों से विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि करना चाहता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व उपभोक्ता की बचत के बारे में भी है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत भी उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है, जो कि यह बताता है कि उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाई को उस बिंदु तक खरीदना चाहता है जहां पर उसे वस्तु की सीमांत इकाई से मिलने वाली उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर हो जाती है। इस सीमांत इकाई से पहले की सभी इकाइयाँ अधिक उपयोगिता मिलती है, जबकि कीमत सबके लिए समान रहते हैं। इस प्रकार प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। उपभोक्ता की बचत पे हमारी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्रियाशील है, इसी पर आधारित उपभोक्ता का बचत, क्योंकि हम किसी वस्तु को क्रय करने के लिए उसकी उपयोगिता के बराबर ही कीमत अदा करते हैं। यदि हमको उससे घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी तो हम उस वस्तु को क्रय करने के लिए उसकी कीमत उतना नहीं देंगे जितना हम पहले दे रहे थे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कर प्रणाली में महत्व रखता है। इस नियम का प्रयोग कर प्रणाली में राजस्व प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किया जाता है, क्योंकि धनवान व्यक्ति धन की सीमांत उपयोगिता गरीब व्यक्ति की तुलना में कम होती है, अतः सरकार धनवान व्यक्ति पर अधिक कर लगाती है तथा निर्धनों पर कम कर लगाती है। अर्थात सरकारों के प्रगतिशील कर का प्रणाली का आधार यह नियम है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कर प्रणाली पर भी आधारित है। कर प्रणाली में जैसे जैसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रयोग होता है,
क्योंकि गरीबों के लिए सीमांत किसी कर प्रणाली में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रयोग होता है, क्योंकि धनवान व्यक्ति के लिए धन की सीमांत उपयोगिता गरीब व्यक्ति की तुलना में कम होती है। माना किसी गरीब व्यक्ति के लिए 1,000 रुपये की जो उपयोगिता होगी वो अमीर व्यक्ति के लिए उपयोगिता नहीं होगी, क्योंकि अमीर व्यक्ति के पास, धनवान व्यक्ति के पास 1,000 से ज़्यादा उसकी इनकम है। उसकी इनकम माना कि 1,00,000 रुपये है, 2,00,000 रुपये है, 5,00,000 रुपये है, तो वो जो है 1,000 की कीमत उसके लिए कम होगी, जबकि गरीब व्यक्ति के लिए उसी 1,000 की कीमत अधिक होगी। इसी आधार पर सरकार प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाती है एवं अमीरों से अधिक कर वसूल करती है एवं गरीबों से कम कर वसूल करती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का उपयोग वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में भी किया जाता है। मूल्य सिद्धांत के लिए भी इस नियम की उपयोगिता है। जिन वस्तुओं की पूर्ति अधिक होती है समानतया उनकी उपयोगिता कम होती है और कीमत भी कम। यदि वस्तुओं की पूर्ति कम कर दी जाए तो कीमत और उपयोगिता दोनों में वृद्धि हो जाती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमको यह बताता है कि किसी वस्तु की पूर्ति जितनी अधिक होगी उसकी कीमत उतनी ही कम एवं उसकी कीमत को अगर वृद्धि करनी है तो उसकी पूर्ति में कमी कर दी जाए। यह हमको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बताता है। आगे हम चर्चा करेंगे हीरा जल विरोधाभास के बारे में। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हीरा जल विरोधाभास एडम स्मिथ ने इसको सर्वप्रथम प्रयोग किया, फिर मार्शल महोदय ने इसकी व्याख्या की। तो हीरा जल विरोधाभास क्या है? किसी वस्तु की कीमत उसकी उपयोगिता नहीं सीमांत उपयोगिता के बराबर तय की जाती है। एडम स्मिथ ने हीरा जल विरोधाभास का उदाहरण दिया जिसमें यह बताया कि हीरा की उपयोगिता तो कम होती परंतु कीमत बहुत ऊंची होती है। इसके विपरीत जल की उपयोगिता अधिक होती है परंतु कीमत बहुत कम होती है, जिसका कारण यह है हीरा दुर्लभ वस्तु होने के कारण उसकी सीमांत उपयोगिता बहुत अधिक होती है, जबकि पानी सुलभ होने के कारण पानी की सीमांत उपयोगिता हीरे की अपेक्षा कम होती है। अतः जल की कीमत कम तथा हीरे की कीमत अधिक होती है। एडम स्मिथ महोदय ने बताया कि सीमांत उपयोगिता द्वारा किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। यदि सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की कम है तो उस वस्तु की कीमत कम होगी, यदि सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की अधिक है तो अन्य बातें समान रहने पर उस वस्तु की कीमत अधिक होगी। इसी को बताते हुए हीरा जल विरोधाभास में यह समझाया गया कि हीरा दुर्लभ वस्तु है इसलिए उसकी कीमत अधिक है, जबकि जल उससे ज़्यादा उपयोगी है लेकिन सुलभ होने के कारण उसकी कीमत हीरे की तुलना में कम होती है। धन्यवाद।